सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर को कैसे बांटते हैं, वो इक्वल बांटते हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड जेड को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा, 10% प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट। यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो बिफोर था ये, आफ्टर है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना दे रखा है हमारे को, 2,20,000। तो अगर हम बात करें किसकी बात करें, कमीशन की बात करें, तो कमीशन के केस में क्या है, या तो बिफोर है और या फिर क्या है आपका आफ्टर है। अगर बिफोर है तो जितना अमाउंट है इंटू क्या है रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, तो ऐसे आपने करना है। अगर आफ्टर है तो क्या लिखोगे, प्राइस प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाय रेट प्लस 100 इंटू क्या हो जाएगा टाइम। तो ये कौन सा है, आफ्टर का केस है, क्योंकि यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन कितना दिया हुआ है हमारे को, 2,20,000 अगर हम बात करें प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके ऊपर हमने रेट लगाना है, रेट कितना लगाना है 10, नीचे क्या लिखोगे 100 प्लस 10, ठीक है, और इंटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 12 बाई 12 मंथ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, और ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 11 दूनी 22, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000 हमारा क्या आ जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन, ये कमीशन आ जाएगा किसके ऊपर, कमीशन प्रॉफिट के ऊपर, कमीशन कितना आ जाएगा हमारा 20,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 2,20,000, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू किसको देना है कमीशन, जेड को, जेड कैपिटल अकाउंट कितना 20,000। उसके बाद जो बैलेंस बच गया उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और वो कैसे, इक्वल रेशियो के अंदर। तो यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में, वाई के अकाउंट में और जेड के अकाउंट में। अमाउंट कितना बचा है टोटल, अगर 2,20,000 था इसमें से 20,000 चला गया तो कितना बचता है, 2,00,000 बचता है, ठीक है ना। और 2,00,000 को आप क्या करोगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 2,00,000 को अगर आप कितने हिस्सों में डिवाइड करते हो, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो, तो कितना बचता है आपके पास, 66,666, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचेगा आपका, 66,666, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 6 6 6 12 और 6 3 18, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर क्या ले लेंगे, 6,6,6,6,8 ले लेंगे, ताकि ये कैलकुलेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 2,00,000, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2,00,000, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2,00,000। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल है वो लिख देंगे, किसकी, एक्स की, वाई की और ये जेड की, एक्स वाई और ये जेड, बैलेंस हमारे को दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय क्या दिया है, कमीशन, किसको मिलना है, ये जेड को, एक्स को नहीं मिलेगा, वाई को नहीं, जेड को मिल जाएगा 20,000। अगर हम बात करें और क्या मिलेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अमाउंट मिलेगा, कितना मिलेगा, 66,666, 66,666, 66,668, ठीक है। अब इनको टोटल कर लो कितना हो जाएगा, 86,668, 66,666, 66,666, 66,666, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 66,666, 66,666, 66,666, और यहाँ कितना आ जाएगा, 86,668, यहाँ क्या आ जाएगा, 86,668, यहाँ क्या आ जाएगा, 66,666, 66,666। तो आपने इसके अंदर ऐसे डील करके चलना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।